हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में स्वास्थ्य विभाग को सुधारने की उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। सरकारी अस्पतालों में बिना रुपए लिए दिए पत्ता भी नहीं हिलता, इसकी एक वानगी देखने को मिली उन्नाव में। उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग में खुलेआम घूसखोरी चल रही है, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उन्नाव के सीएमओ कार्यालय में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर वरिष्ठ सहायक और बाबू का घूस लेते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद सीएमओ ने वरिष्ठ सहायक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए प्रशासनिक निदेशक को पत्र भेजा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इन दिनों बीएड बीटीसी सहित अन्य क्लास में एडमिशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट छात्रों से मांगा जा रहा है, लिहाजा भारी संख्या में छात्र छात्राएं उमा शंकर दीक्षित जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय परिसर में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आ रहे हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए पहले डॉक्टर जांच करते हैं, उसके तीन दिन बाद छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट सीएमओ के दफ्तर में बने कमरा नंबर 8 से दिया जा रहा है। लेकिन जब यहाँ छात्र छात्राएं अपना सर्टिफिकेट लेने आते हैं तो यहाँ पर उनका सामना होता है घूसखोरी से। यहाँ पर बैठे कर्मचारी छात्र छात्राओं से पैसे उगाही करने के बाद उनको प्रमाण पत्र दे रहे हैं। वायरल वीडियो में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर सीएमओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक रामतेज अभ्यर्थी से रुपए लेते नजर आ रहे हैं। सामने बैठी लिपिक फॉर्म तभी ले रही हैं जब वरिष्ठ सहायक को रुपए पकड़ा दिए जाते हैं। इस दौरान किसी अभ्यर्थी ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहाँ के कर्मचारी बिना पैसे लिए कोई कार्य नहीं करते। बीएड बीटीसी में दाखिला लेने वाले छात्राओं को इधर उधर चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन बिना रुपए कोई काम नहीं होता। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो सीएमओ सत्य प्रकाश सहित अन्य अधिकारियों की जानकारी में ये मामला आया, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारी तुरंत हरकत में आए। सीएमओ डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार वरिष्ठ सहायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा, सीएमओ ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही और गड़बड़ी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, यू न्यूज यूपी। अगर जो रिपोर्ट के करीब है ना, आज हम भी कोशिश करेंगे।